नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। कानपुर व बलिया में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे को लेकर डीएम को पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। कन्नौज में सैकड़ों पत्रकार एकत्रित होकर जिला अधिकारी को पत्रकारों का उत्पीड़न व फर्जी मुकदमे को लेकर दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व बलिया में अमर उजाला के पत्रकार को फर्जी मुकदमे में जेल भेजा, जिसको लेकर कन्नौज पत्रकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पत्रकार सहायता एसोसिएशन ने इस प्रकरण की निंदा करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदेश प्रभारी आलम कुरैसी ने कहा कि पत्रकारों के ऊपर लगाए हुए झूठे मुकदमे की स्वतंत्र जांच एजेंसियों द्वारा जांच कराकर पीड़ित पत्रकारों के ऊपर से झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और अपने पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। यदि ऐसा ना हुआ तो संगठन प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। इस दौरान संगठन के संरक्षक रईस खान, अमित मिश्रा, पुष्कर शर्मा, देव सिंह, आफाक आसिफ खान आदि कई लोग उपस्थित रहे। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, ये किस उद्देश्य से दिया, क्या इसका उद्देश्य रहा पूरा? हमारा उद्देश्य है कि पत्रकार सहायता एसोसिएशन हमेशा पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ता चला आया है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश भर में कहीं ना कहीं ये खबरें आपको देखने को मिलती होंगी कि पत्रकारों का किस तरह से उत्पीड़न किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक अमर उजाला के बलिया के हमारे पत्रकार साथी, जिन्होंने खबर एक पेपर लीक की छापी थी, उनके ऊपर डीएम और एसपी ने इतने, मतलब जो जनपद के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये काम किया गया है। उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल पहुंचाने का काम किया गया है। इसी तरीके से कानपुर से भी खबरें निकल कर सामने आई हैं, वहाँ के भी पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न किया, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। तो हम लोग हमेशा संगठन, जो हमारा पत्रकार सहायता एसोसिएशन है, पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ता रहा है। आज हमारा ज्ञापन जो गया है वो इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी तक गया है, इस उम्मीद के साथ गया है कि हमारे जो पत्रकारों की आवाज़ है वो हमेशा समाज के लिए बुलंद रहनी चाहिए, समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते रहना चाहिए और हम लोगों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।